हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में टैली प्राइम को लेकर के जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक टैली ईआरपी 9 को टैली प्राइम में अपग्रेड नहीं किया तो इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए अपने कंप्यूटर को और अपग्रेड कर लीजिए टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम हमारा इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये टैली प्राइम का आइकन है और अब मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। तो डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है। हमारा टैली प्राइम कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये देखिए, ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है। ये इस तरह का कुछ आइकन हमें दिखेगा और इस तरह से ये ओपन होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टैली प्राइम हमने ओपन कर ली है। ये देखिए, ये हमारी टैली प्राइम है, कुछ इस तरह से दिखेगी जब ये ओपन होगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा चेंजिंग आपको दिखाई पड़ेगा। टैली ईआरपी 9 के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह की विंडो हमें गेटवे ऑफ टैली की दिखाई पड़ेगी। अब हमको अगर कोई नई कंपनी बनानी है तो हमें कीबोर्ड से F3 प्रेस करना होगा। कीबोर्ड से जैसे ही F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी की विंडो आएगी। तो यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो क्रिएट कंपनी पर हम आ जाएंगे। तो हमें एक नया फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को हमें भरना होगा और उसके बाद हम कंपनी क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए आइए उस फॉर्म को भर देते हैं। यहाँ पर वो फॉर्म आ चुका है जो फॉर्म हमें भरना है। तो इस फॉर्म को हमें फिल करना है अब। तो ये देखिए, यहाँ से आप चाहे तो जो पाथ है वो चेंज कर सकते हैं। ये मैंने सी ड्राइव में रखा हुआ है और यहाँ पर कंपनी का नेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ शिवम एंड सन्स, इस तरह का नाम मैं दे देता हूँ। मेलिंग नेम सेम रखता हूँ। यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए एड्रेस, ये एड्रेस मैंने डाल दिया है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर यू प्रेस करूंगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये आ गया उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आइए, कंट्री इंडिया रहेगी। पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी पिन कोड आपका हो। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे टेलीफोन, मोबाइल नंबर, वेबसाइट अगर है तो डाल दीजिए। 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। काम हमारा जब से शुरू हो वो डाल सकते हैं, जैसे 2/4/2020 कर देता हूं मैं। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं और इसको अब एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो ये इस तरह से हमने कंपनी बना ली है। ठीक है, कि ये देखिए, ये विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि शिवम एंड सन्स जो कंपनी है, इसमें आप कुछ और भी फीचर्स शो करना चाहते हैं। तो यहाँ फीचर्स के लिए आ रहा है, तो यस अगर आप कर देते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके कंपनी के लिए शो होने लगेंगे। अब यहाँ पर किन किन चीज़ों को आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं या डीएक्टिवेट रखना चाहते हैं, डिस्काउंट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, मल्टीपल प्राइस लेवल रखना चाहते हैं कि अगर 10 सामान लें, 10 से अधिक लें तो कीमत कुछ और लगे, 10 से कम लें तो कुछ कीमत और लगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एक्सेस, आप इसको ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस के लिए ये दिया हुआ है। तो जो भी आपको ठीक लगता हो इसमें से आप यस कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही कंट्रोल ए प्रेस करके और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये कंट्रोल ए प्रेस कर लेने के बाद ये एक्सेप्ट हो चुका है और ये रामा एंटरप्राइजेस जो पहले से बनी हुई कंपनी थी, इसको हमें कर देना है क्लोज। तो शट करने के लिए वापस हमें कहाँ जाना होगा, यहीं पर आना होगा। और किसको क्लोज करना चाहते हैं, शट कंपनी पे जाइए, एंटर प्रेस कीजिए। रामा एंटरप्राइजेस को क्लोज करना चाहते हैं, यस एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये रामा एंटरप्राइजेस क्लोज हो चुकी है। पहले हमें जाना है बाउचर में, वहां पर क्या शो करता था, अकाउंटिंग बाउचर, यहाँ पर सिर्फ बाउचर। वी प्रेस कर दीजिए, आ जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर में। अभी हम सिंगल एंट्री मोड में है। डबल एंट्री मोड में जाने के लिए क्या करना होगा, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पे देखिए, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ 2/Y, तो ये नो है, इसको आप कर दीजिए यस। ठीक है, और नेगेटिव कैश बैलेंस ये सब आप चाहे तो यस रखेंगे। कॉस्ट सेंटर को अभी ऑफ रखता हूं मैं, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जी सकते हैं, हमने डबल एंट्री मोड एक्टिवेट तो कर दिया है लेकिन अभी भी ये सिंगल एंट्री मोड में ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ एच। तो यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री डबल एंट्री दोनों दिख जाएगी। यहां से आप आ जाइए नेविगेशन बटन का प्रयोग करते हुए डबल एंट्री पर और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, सब डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सप्लायर का रेफरेंस नंबर पड़ जाएगा और यहाँ पे वो डेट आ जाएगी जिस डेट पे आप
रिसीव कर रहे हो पैसा अपने कंपनी में, ठीक है। और यहां पर अल्ट के साथ सी करके लेजर बनाना है हमें, खाता बनाना है। किसका खाता बनाना है? तो कैपिटल अकाउंट का। तो यहां पर कर देता हूं कैपिटल अकाउंट, ओके, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं। यहां पर ग्रुप का सिलेक्शन सही करना बहुत जरूरी है, तो यहां पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अभी टीडीएस नो रखता हूं, एंटरप्रेस करता हूं। यहां पे यूपी आ जाएगा, पिन कोड आप डाल सकते हैं एंटरप्रेस करते हुए, अगर बैंक की डिटेल देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं और इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो चीज यहां पे आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 1,07,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे डाल दिया, एंटरप्रेस किया। अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लेकिन हमें यहाँ पे डेबिट चाहिए, तो आप खाली कीबोर्ड से डीआर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कर दीजिए कैश, कैश आप लगा रहे हो अपने कंपनी में, ठीक है, तो ये हो गया, डाला नहीं है। और यहाँ पर आप तो एक बात याद रखिएगा, स्टेट डालना कंपल्सरी है, तो यहाँ से आप उत्तर प्रदेश कर दीजिए और उत्तर प्रदेश कर दीजिए, यहाँ रेगुलर कर दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, यहाँ नरेशन डाल सकते हैं और एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हमारी एंट्री हो गई पूरी। जब इस एंट्री को देखना होगा तो पहले यहाँ से बाहर आ जाइए, गेटवे ऑफ डेली पे डी प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, और हमें डेबुक में जाना, तो फिर एक बार डी प्रेस कर दीजिए, आप आ जाएंगे डेबुक में। ये देखिए ये आपका डेबुक है, एंटरप्रेस कीजिएगा तो ये आपको एंट्री दिख जाएगी। ये एंट्री कुछ इस तरह से हमने बनाई है। अगर आप इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, ये प्रिंट के लिए भी ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से आप चाहे तो कॉन्फिगर कर सकते हैं, या डायरेक्टली प्रिंट देना चाहे तो यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल बाहर आता हूं मैं, इससे प्रिंट हमें देना नहीं है, हम चलेंगे अब परचेज वाउचर में वापस से, ठीक है, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन है। तो यहाँ पे अभी हम चलेंगे परचेज वाउचर में, तो चलिए परचेज वाउचर में चलते हैं। वाउचर में जाने के लिए क्या प्रेस करना है हमें? वाउचर में जाने के लिए हमें प्रेस करना है वी, ठीक है, कीबोर्ड से आपको सिर्फ वी प्रेस करना है। तो अभी रिसीव वाउचर में है, परचेज वाउचर में जाने के लिए आपको F9 प्रेस करना है, या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं कहाँ? परचेज वाउचर में, और हम आइटम इनवॉइस मोड में है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि सर मेरे में तो शो ही नहीं कर रहा है आइटम, पर्टिकुलर लिख के आ रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन अभी बताता हूँ। अब यहाँ पर पार्टी की बात आएगी, ठीक है, आप चाहे तो कैश रख लीजिए अगर कैश में सेल कर रहे हैं, तो अगर पार्टी का नेम देना चाहते हैं तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। एक आपको लेजर क्रिएट करना होगा, जैसे मैं यहां कर देता हूं महेश, ओके, और इस बार मैं क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना रहा हूं, सी, सी कर दिया मैंने क्रेडिटर के लिए, पहचान के लिए सी कर दिया है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। यहां पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर आप चूज कर लीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और मेंटेन बिल बाय बिल, ये यस रहेगा। और यहां से अगर एंटरप्रेस करता हूं, इसको अभी छोड़ता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, और इन सबको आप एक्सेप्ट करा लीजिए ऐसे ही, ठीक है। कोई डिटेल अगर फिल करना चाहते हो तो दे सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेस किया, ये सारी डिटेल यहां पे आ गई और हम यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, तो यहाँ देखिए क्रिएट, पहले के वर्जन में यहाँ क्रिएट लेकर नहीं आता था, तो अभी आप डायरेक्टली यहीं पे एंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो लेजर, ठीक है। यहाँ पर हमें परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है, तो चूंकि परचेज वाउचर में तो परचेज अकाउंट, तो यहाँ लिखा परचेज अकाउंट, ओके, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ये जाएगा किसमें? अंडर परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से आप परचेज अकाउंट चूज कर लीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और यहाँ पे एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ, तो ये हमने एक्सेप्ट करा लिया है। अब यहाँ पर आइटम की लिस्ट बनानी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें आइटम मोड नजर नहीं आता है, तो आपको अल्ट के साथ आई प्रेस करना है, और अगर आप अल्ट के साथ आई प्रेस करते हैं तो आप आ जाएंगे आइटम मोड में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आइटम की लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो आइटम की लिस्ट कैसे बनेगी वो बताता हूं आपको। यहां पर आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, तो यहां पर स्टॉक आइटम क्रिएशन के विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको स्टॉक आइटम बनाने हैं, जैसे मान लीजिए मैंने परचेस किया कीबोर्ड, तो एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, यहां इसे प्राइमरी में डाल देते हैं। यूनिट्स बनानी है, तो यूनिट बनाना बहुत जरूरी, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहां पर यूनिट बनाइए। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कर देता हूं पीसेज, या जो भी आप पैक पीसेस कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पी आई ई सी ई एस पीसेस, एंटरप्रेस किया। यहाँ पे यूनिट हम क्या बनाना चाहते हैं वो देख लीजिए आप, तो यहाँ पैक्स पीसेस जो भी है वो कर लीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसको रहने देता हूँ, जीएसटी डिटेल को, ठीक है, वैट एप्लीकेबल दे रहा है, तो यहाँ पे इसको अभी नो रखता हूँ, नॉट एप्लीकेबल, एंटरप्रेस करता हूँ,
तो ये देखिए कीबोर्ड यहां पर आ चुका है। अब इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए 700 क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो और रेट एक का क्या है, एक का रेट आपको पड़ रहा है ₹70 का, ये खरीद रेट है इंटरफेस किया, हमने डिस्काउंट ऑप्शन चालू नहीं किया जिसकी वजह से ये डिस्काउंट दिखा नहीं रहा है। अब ये दूसरा आइटम हम परचेस करेंगे, जैसे मान लीजिए मॉनिटर परचेस कर लिया, ये लिख दिया हमने मॉनिटर, एंटरप्राइज किया और यहाँ पे पीसेज कर लेता हूँ, एंटरप्राइज करता हूँ और इन सबको नो ही रखता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर मान लीजिए मॉनिटर के 60 पीसेज आपने परचेज किए, एक आपको पड़ रहा है ₹6,000 का, एंटरप्राइज किया तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो आते हैं हम इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, ये एंड ऑफ लिस्ट किया हमने, ईवे बिल को नो रखा हमने, एंटरप्राइज किया, एंटरप्राइज किया और एंटरप्राइज किया, तो ये हमारा हो गया पूरा। अब जब आप सेल्स वाउचर में जाएंगे, इससे भी पहले आपको इसका पेमेंट करना होगा, ठीक है, चूंकि परचेस किया है तो इसका पेमेंट तो करना ही होगा, तो यहां से आ जाइए पेमेंट वाउचर में, पेमेंट वाउचर में F5 प्रेस कर सकते हैं, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ रहा है, ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब यहां पर आप देख सकते हैं किन का पेमेंट बाकी है, तो ये महेश है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है आपको ₹4,09,000 बैलेंस शो कर रहा है इनके ऊपर, तो पेमेंट किया हमने। अब यहां पे देखिए ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, इसको अगेंस्ट रेफरेंस लगा दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और यहां पर कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पेमेंट कर रहा है किसमें कर रहा है, कैश में, तो कैश जो है हमारा यहां पर आ जाएगा और ये रेगुलर कर देता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया, ये हमारी हो गई परचेज की एंट्री पूरी, परचेज के बाद पेमेंट की भी एंट्री हमने पूरी कर ली। अब हम चलेंगे सेल्स वाउचर में, वी प्रेस करता हूं, सेल्स वाउचर के लिए आपको F8 प्रेस करना है जैसे कि वहां पे करते थे। अब यहां पर डेटर पार्टी का लेजर आएगा, एक से अधिक डेटर पार्टियां भी आपकी हो सकती हैं, जैसे हमने कर दिया यहां पे सुनील डेटर, ठीक है, संडे डेटर ग्रुप में जाएगा ये, एक्सप्रेस कीजिए, संडे डेटर चूज कर लीजिए और यहां से एंटरप्रेस करते हुए इसको करा लीजिए आप एक्सेप्ट, ठीक है, ये डिस्पैच नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, फिलहाल मैंने ये डाला है, एंटरप्रेस करता हूं और यहां पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, सेल्स अकाउंट डाल दीजिए, सेल्स अकाउंट, ओके, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, यहां पे एस प्रेस कीजिए तो ये सेल्स अकाउंट आ जाएगा, ये सेल्स अकाउंट कर दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और डिस्काउंट तो हमने दिया नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, एंटरप्रेस करते हैं, एंटरप्रेस करते हैं, एंटरप्रेस करते हैं और एंटरप्रेस कर देते हैं यहां से। अब ये आइटम लेना है जो हमने परचेस किया था, क्योंकि जो आइटम आपके पास होगा उसी को आप सेल कर सकते हैं, तो यहां से हमने ले लिया। अब मान लीजिए कि 700 आइटम है, 600 आइटम हम कीबोर्ड के सेल कर रहे हैं, इस बार सेल कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, और एक आइटम हम सेल कर रहे हैं ₹200 का, ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। फिर दूसरा जो था मॉनिटर था, मॉनिटर हमारे पास 60 पीसेस है, 60 में से हम 59 पीसेस हम सेल कर रहे हैं और एक हम सेल कर रहे हैं ₹8,000 का, ठीक है, ये हमने किया, एंटरप्रेस किया, ईवे बिल को नो रखते हैं, एंटरप्रेस करते हैं, एंटरप्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री हमने कर ली पूरी। लेकिन अब जो सेल किया उसका पैसा आपको रिसीव करना है, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, हमने कैश में तो सेल किया नहीं है, हमने तो क्रेडिट पे सेल किया है ना, अब वो पैसा जब भी रिसीव होगा वो डेट आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, रिसीव करने के लिए कहां जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए और आप आ जाइए F6 प्रेस कीजिए रिसीव वाउचर के लिए, तो F6 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपको एक बात, आप देखिए यहां पे बाहर आ जाइए, यहां से V प्रेस कीजिए और यहां पर F6 प्रेस कीजिए, यहां पर 1 रखता हूं मैं, ये 1 कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर आ जाएगा डेटर पार्टी का लेजर, डी पेमेंट कर रहे हैं तो एस प्रेस कीजिए और यहां पर सुनील डी कितना बैलेंस शो कर रहा है, ₹5,92,000, तो ये हमने कर दिया। अब यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, अब यहां पे डेबिट कैश में मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं तो ये कैश कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, स्टेट वगैरह आप डाल लीजिए, यहां पे स्टेट डाल लीजिए, यू कर दीजिए, उत्तर प्रदेश नरेशन डाल सकते हैं, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी पूरी, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि टैली को जरूर समझ में आएगी। अब जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे
और अब इनको पैसा रिसीव कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक नंबर का था इनका सप्लायर नर्स नंबर, अब यहाँ पर आइए और यहाँ पे सुनील डी के ऊपर आइएगा तो यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप पेमेंट वाउचर में जाएंगे, वी प्रेस करता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ पेमेंट वाउचर के लिए, तो जो भी आपका इनवॉइस नंबर रहा हो छोड़ता हूँ उसको, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर जब आ जाएंगे हम ये महेश सी, तो यहाँ पर इनका बैलेंस जीरो शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शो नहीं करेगा क्योंकि ये पूरा पूरा पेमेंट कर चुके हैं। तो ये एंट्री हो गई पूरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। टैली ERP 9 के बजाय अब हम यूज करेंगे टैली प्राइम। तो वीडियो पसंद आया तो खूब शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।